और हम आपके लिए लिखे आए इस बार बुल्स वर्स इज बेयर फाइट विच इज हैिंग इन द मार्केट राइट नाउ रिजल्ट क्या होगा नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली uh, एनालिसिस साथ ही साथ कुछ ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर आप बेट लगा सकते हैं फॉर नेक्स्ट वीक और बाय कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न उसके अंदर निकल के सामने आएंगे सो so, डिस्कस करते हैं उन सब शेयर्स के बारे में जो हम बाई कर सकते हैं नेक्स्ट वीक एनालिसिस के बारे में कि इंडेक्स क्या बोल रहा है और क्या चीज़ हो सकती है जो फॉल हुआ था वो क्यों हुआ था और uh, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं अपसाइड या डाउनसाइड के लिए कौन कंट्रोल में है बुल्स या बैट्स चलिए जानते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए वे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं और लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर लव वन सो दैट दे कैन आल्सो टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट चलिए सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और एनालिसिस देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में ये हमारा चार्ट है हम सबसे पहले जाते हैं बैंक निफ्टी के पास बैंक निफ्टी डेली चार्ट देखिए ये जो लेवल है यहाँ से से रिजेक्शन मिला था बत्तीस हज़ार आठ सौ छत्तीस के आसपास से उसको रिजेक्शन मिला था दिस इज़ अ सेकंड टाइम रिजेक्शन दैट वी हैव फेस्ड पहले एक रिजेक्शन इसी लेवल के आसपास ऑलरेडी हमें यहाँ से मिल चुका है और मार्केट ने फॉल दिया था दोबारा मार्केट ने यहाँ पर यही लेवल अचीव किया और उसके बाद तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन इसको मिला है इसका जो एक सपोर्ट लाइन बनता है वो एक सपोर्ट लाइन था यहाँ जो सपोर्ट लाइन इसने ऑलरेडी तोड़ तोड़ चुका है इकतीस हज़ार छः सौ का जो लेवल था बहुत अच्छा सपोर्ट था वो लेवल ये ऑलरेडी तोड़ चुका है और उसके नीचे आ चुका है और ये भी यहाँ पर रखा है विजय जिला जी जो, जो नेक्स्ट सपोर्ट इसका मेजर इमीजिएट सपोर्ट बनता है वो बनता है तीस हज़ार नौ सौ चार का और uh, ये सपोर्ट बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा रूम और है अगर चाहे तो निफ्टी गिर बैंक निफ्टी और नीचे गिर सकती है लेकिन यहाँ से ये ऊपर भी जा सकती है कैस किस हिसाब से हम फीवो रिट्रेसमेंट टूल को फॉलो करेंगे और आपको अगर आप फीवो टूल यूज़ करते हैं और आपको पता है कि हाँ फीवो टूल लेने के बाद आपको एक क्लिक करना है लो पर दूसरा उसको मैच कर देना है हाई के साथ ठीक है और दर आर थ्री परसेंटेज वेर वेरा वेरी इंपॉर्टेंट थर्टी एट परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड सिक्सटी वन परसेंट ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं अगर अगर रिट्रेसमेंट uh, जो फॉल है इकसठ परसेंट सिक्सटी वन परसेंट से नीचे चला जाता है देन इट्स नॉट अ रिट्रेसमेंट और अ करेक्शन इट्स बेसिकली अ ट्रेंड चेंज इट सेल्फ सो फार अगर हम देखेंगे इसने ट्वेंटी थ्री परसेंट को क्रॉस किया उसके बाद में इसने थर्टी एट परसेंट को भी क्रॉस करके बीच में क्लोजिंग दी है फिफ्टी परसेंट अगर आप हाँ देखेंगे तो वो बिल्कुल उसी सपोर्ट के पास आ रहा है जिसके बारे में मैंने बात की थी और ये जो सपोर्ट हमारा आप निकल के आ रहा है तीस हज़ार नौ सौ चार फिफ्टी परसेंट बिल्कुल वहीं पे तो अभी हमारे पास स्कोप कितना है इकतीस हज़ार एक सौ थर्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन से थर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो हमारे पास करीब करीब दो सौ ढाई सौ पॉइंट का स्कोप और है जहाँ बैंक निफ्टी गिर सकती है लेकिन और वहाँ से बाउंस बैक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी यहाँ से भी ऊपर जा सकती है बिल्कुल और हालांकि मार्केट में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग बैरिश हो चुके हैं बहुत सारे पुट कॉल्स लेके वो वीकली एक्सपायरी ऑलरेडी बैठ गए हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के दोनों नेक्स्ट वीक जहाँ से गिरी थी उसी तरीके से ये वापस चली जाएगी यहीं से मुझे लगता है गैप अप होगा मंडे को और एक कैंडल बनेगी उसके बाद में ये बुलिश हरामी पैटर्न बनेगा बुलिश हरामी पैटर्न कैसा होता है एक बड़ी रेड कैंडल बनती है उसके बाद में एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है जो बिल्कुल इसके फर्स्ट कैंडल के बीच में होती है तो मुझे लगता है बुलिश हरामी कैंडल बनेगा और उसके बाद एक और गैप अप होगा और ट्यूज़डे के अंदर भी आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ अगर मुझे बुलि शराबी पैटर्न कहीं पर दिखाई दे चार्ट पे मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा कहीं कभी बुलि शराबी पैटर्न बट चांसेस आर मोर कि कल एक ग्रीन चैनल बनेगी जो उसके बीच में होगी और उसके बाद में हमें आप मोमेंट देखने को मिलेगा तो मैं काफ़ी बुलिश हूँ और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम उसी लेवल के ऊपर आके आ जाएगी बहुत ही जल्दी इस करेक्शन के बाद जो उसको क्योंकि देखो ऊपर जब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा था लोगों ने अपसाइड की ऑलरेडी कॉल बना थी यहाँ पर इसने सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए सबको निकाल दिया जितने बायर्स थे सब निकाल दिए सबको सेलर बना दिया अब सेलर्स के बनने की बारी है क्योंकि सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे और इस कैंडल के आसपास यहाँ पर किसी ने ट्वेंटी थ्री परसेंट के आसपास रखा है तो उसका स्टॉप लॉस भी हिट होगा क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन में रहें तो शॉर्ट पोजीशन में ना रहें मार्केट शॉर्ट पोजिशन का नहीं मुझे लगता इस लाइन के नीचे फिफ्टी परसेंट के नीचे आप जरूर जा सकते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि रूम है हो सकता है मार्केट यहाँ से करेक्शन ले लेकिन मैं भी भी market, market, market अभी भी बुलिश हूँ मार्केट मार्केट का स्ट्रेंथ अभी भी बुलिश है जिसके हिसाब से मार्केट uh, जो है सॉरी uh, ऊपर जा रही है ठीक है तो ये रहा बैंक निफ्टी का uh, डिटेल निफ्टी की बात कर लेते हैं चलते चलते और आपको दिखाते हैं निफ्टी क्या कर रही है निफ्टी की अगर डेली चार्ट की बात करूँ और मैं सेम रिट्रेसमेंट की अगर बात करूँ तो मैंने ये देखिए फेवर रिट्रेसमेंट पहले मैंने किया लो की स्विंग के ऊपर उसको मैच किया हाई से जैसे मैंने मैच किया तो देखेंगे इसने एक्जैक्टली ट्वेंटी थ्री परसेंट पर सपोर्ट ले लिया है यहाँ पर ट्वेंटी थ्री परसेंट पर आप यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है बिल्कुल बाउंस बैक कर सकती है ठीक है रूम की बात करें तो हमारे अगले लेवल जो है वो है थर्टी एट परसेंट जो कि चौदह हज़ार एक सौ इक्कीस उसके बाद हमारा है फिफ्टी परसेंट जो है थर्टीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी थ्री और जो एक्सट्रीम लेवल है वो है थर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड लेकिन ये लेवल मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे लगता है मार्केट यहीं से वापस घूम जाने चाहिए एक लेवल ये भी बनता है चौदह हज़ार दो सौ का बट इसके अंदर इतना रूम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट थर्टी सिक्स परसेंट पर सपोर्ट है जा सकती है सो मुझे बिल्कुल लगता है मंडे के दिन कि मार्केट अप ओपन ओन होगी और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ रास्ते बना लेगी ऊपर की तरफ के लेवल जहाँ से गिरी थी जैसे गिरी थी वैसे ही ऊपर चली जाएगी इसमें सपोर्टिंग फैक्टर क्या हो सकता है करोना वायरस की अगर आप देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन जो हो गई है हमारे वैक्सीनेशन की वो बढ़ती जा रही है बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लग गए कोई साइड इफेक्ट नहीं आए हैं इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग वैक्सीन सप्लायर ऑफ़ द वर्ल्ड अपने पड़ोसी मुल्कों को हमने फ्री में वैक्सीनेशन दी है तो बहुत अच्छी इमेज हमारी बिल्डअप हुई है और जिसकी वजह से आई एम श्योर एफ आई एस की बाइंग वापस आ जाएगी बिकॉज हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है और साथ के साथ अगर देखेंगे रिलायंस के जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत काफ़ी अच्छे हैं येस बैंक के बारे में अगर देखेंगे तो उनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं लेकिन रिलायंस मेजरली निफ्टी को ऊपर उठा सकता है उसका रिजल्ट जो ईयर एंड ईयर ट्वेल्व परसेंट ग्रोथ दिखाई है मुझे लगता है काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं बहुत सारी परेशानियों के बावजूद और रिलायंस अब अपनी चाल दुगनी कर देगा और हमारा जो टारगेट है ट्वेंटी टू हंड्रेड का वो आराम से अचीव हो जाएगा सो बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल ये है आपके सामने नीचे के ऊपर के दोनों लेवल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ मंडे के दिन आपको इंट्राडे के लेवल भी मैं आप ग्रुप के अंदर दे दूँगा अगर आपने हमारा चैनल फॉलो नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया है वो है ट्रेडिंग विद तरुण आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण और इसके अंदर मैं लोगों के क्वेश्चन के आंसर लेवल्स स्टॉक्स उनकी बेसिकली हेल्प करता रहता हूँ और आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और वी कैन बेसिकली यू नो मेक मनी टुगेदर सो ज्वाइन नहीं किया लेटेस्ट अपडेट के लिए ज्वाइन कर लीजिए आपको डेली लेवल यहाँ पर मिलते जाएंगे चलिए बात करते हैं कि स्टॉक्स के बारे में क्या लेवल्स uh, निकल के आ रहे हैं uh, कौन कौन से लेवल्स निकल, निकल के आ रहे हैं स्टॉक्स के नेक्स्ट वीक आप कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आप ख़रीद सकते हैं और मंडे के दिन उनके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं मैं आपको पहले मंडे के ट्रेड दूंगा उसके बाद मैं वीकली ट्रेड के बारे में आपको बताऊंगा सबसे पहला ट्रेड जो मेरी तरफ़ से निकल के आ रहा है गाइस वो है औरोफार्मा जी हाँ औरोफामा ये जो औरोफामा है आ, ये डेफिनेटली मंडे कैप अप होगा और आ, 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 आप, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न औरोफार्मा मंडे के दिन दे जाएगा मैंने अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लेवल्स निकालने वाली तो आप वो भी देख सकते हैं ये इसके वन वन आवर का चार्ट है अगर मैं इसके लेवल्स की बात करूं तो इसके जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये हैं एक ये लेवल है सपोर्ट की बात करें तो एक ही सपोर्ट में लेवल है दूसरा एक नीचे ये लेवल है करेक्ट ये बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर ही बंद हुआ है और ये लाइन अगर तोड़ता है तो अफकोर्स ये हमारा पहला टारगेट है हमारे और फॉमर के बेसिक लेवल्स हो गए हैं वन आवर के हिसाब से आपने लेवल्स निकाल लिए अगर ये ब्रो, लाइन टूटती है नाइन ट्वेंटी एट के ऊपर ओपन होता है तो हमारा पहला टारगेट होगा नाइन फोर्टी ये आप नाइन फोर्टी मुझे लगता है इंट्रा के अंदर अचीव हो जाएगा यहाँ से जो जंप है बहुत अच्छी है नाइन सिक्सटी तक के लेवल आपको सेकंड टारगेट के देखे जा सकते हैं तो इसको ट्रेडिंग कैसे करना है पाँच मिनट के चार्ट चले जाएंगे पाँच मिनट के चार्ट पे और वहाँ पर भी आपको थोड़े से लेवल्स जो है वो निकल के आ जाएंगे पाँच मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करनी है ये देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है यहाँ से ओपन होता है तो पहला टारगेट होगा आपका ये दूसरा टारगेट आपका इसके ऊपर निकलेगा मैं देख लेता हूँ अगर कोई और लेवल निकल के आ रहा है ये एक लेवल ये है देखिए मैंने कहा था पाँच मिनट के अंदर और निकलेगा सो अगर यहाँ से अगर निकलता है शेयर सो पहला टारगेट होगा इंट्रा के लिए नाइन दूसरा टारगेट होगा नाइन और तीसरा टारगेट होगा 953 उसके बाद ये लेवल्स हमारे और फार्मा के निकल के आ रहे हैं काफ़ी बुलिश स्टॉक लग रहा है 200 हंड्रेड का सपोर्ट भी लिया है देखिए पाँच मिनट के चार्ट पे नीचे गिरा था 200 हंड्रेड का सपोर्ट लिया है यहाँ से ऊपर जा रहा है और ये डेफिनेटली बहुत बुलिश हो जाने वाला है ठीक है ये रहा हमारा और ओफामा उसके बाद एक और जो स्टॉक है हमारा वो है डी इसने भी टू हंड्रेड के ऊपर देखिए बहुत कंसॉडेट करने के बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है इसके जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो अभी आपके सामने मैं निकाल देता हूँ जल्दी ही आपको सिर्फ देखना है प्राइस कहाँ स्टक हो रहा था मोटा मोटा अगर आपको दिखाई दे ठीक है कहाँ प्राइस ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था वो वो ही आपके लेवल्स जो हैं वो बन के आ जाएंगे किसने यहाँ से रिजेक्शन लिया था तो इसका यहाँ पर लेवल्स बन गया ठीक है ये आपके लेवल हो गए टू हंड्रेड के ऊपर आ आगे इसने प्राइस का क्लोजिंग दिया यहाँ पर ऑफकोर्स ट्रेडिंग करने के लिए के करना है आवर्डी से आपको जाना है पाँच मिनट के अंदर और देख लेना है कि आपने कुछ मिस किया है पाँच मिनट के अंदर पाँच मिनट के अंदर हमें लगता नहीं हमने कुछ मिस किया है सब कुछ कवर है मोस्ट ऑफ़ द लेवल्स आर देर यस इट्स देर सो यही लेवल्स बनते हैं इसके एक लेवल इसका ये भी बनता है जो हम ऐड कर देंगे बीच में सो so, अब क्या करना है देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है इस रेजिस्टेंस लाइन के पास ठीक है अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के दो के ऊपर अगर ओपन होती है तो आप क्या कर सकते हैं आप अपना टारगेट बना सकते हैं पहला टारगेट होगा नाइन नाइन uh, ट्वेंटी टू काफ़ी अच्छा टारगेट है वन परसेंट आपको इंटरडे के अंदर मिल सकता है डी के अंदर इतना बड़ा लंबा टारगेट आपको आराम से मिल सकता है दूसरा टारगेट हमारा नाइन फिफ्टी सेवन का टारगेट है और मुझे ये स्टॉक काफ़ी बुलिश लग रहा है मंडे के दिन देखने के लिए ठीक है सो दूसरा स्टॉक हो गया हमारा डी तीसरे स्टॉक की अगर हम बात करें सो so, uh, तीसरा स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिवर हिंदुस्तान यूनिवर यस yes, जी हाँ एक घंटे के uh, देखेंगे इसने भी 200 हंड्रेड ई के ऊपर सपोर्ट लिया है इसलिए ये बहुत ही क्रूशल लेवल है और uh, इस लेवल को क्रॉस करते के साथ ही आपको लेवल्स में दे देता हूँ uh, हमारे डी मार्ट के टू तो हंड्रेड हमारा लेवल हो गया ठीक है जी ये आपके लेवल्स हो गए देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है इस लाइन के ऊपर टू फोर वन सेवन के पास ठीक है आपको क्या करना है अगर ये मार्केट यहाँ पर इसके ऊपर ओपन ओपन होती है टू फोर वन सेवन के टू फोर फोर टू आपका टारगेट बन सकता है इंट्राडे के अंदर ये आपको आराम से मिल सकता है उसके दूसरा टारगेट जो बन के आ रहा है वो टू फोर फाइव एट का निकल के आ रहा है और मुझे लगता है कि अचीवेल ये दोनों टारगेट अचीव कर लेगा पहला भी दूसरा भी और तीसरा टारगेट हमारा रहा है टू फोर नाइन नाइन ये टारगेट भी आराम से निकल सकता है सो so, ये हमारा तीसरा स्टॉक हो गया जो आप इंट्रा के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो ये थे हमारे तीन स्टॉक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर कुछ वीकली स्टॉक्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो स्टॉक आपको दे सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिटर्न ठीक है उन स्टॉक की बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर फटाफट कि वो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं वीकली जो आपको दे सकते हैं बहुत अच्छा आ, पैसा ना सबसे पहला जो स्टॉक है वो है गाइस अपोलो टायर्स ठीक है अपोलो टायर्स यहाँ पर है मेरे सामने इसके लेवल्स भी आपके सामने निकाल के रखे हैं मैंने अपोलो टायर्स मुझे लगता है कि आ, ये दोनों टारगेट अचीव कर लेगा मंडे के दिन ही ठीक है आप चाहे तो टाइम भी ले सकते हैं लेकिन वीकली इसकी जो क्लोजिंग मुझे होती दिखाई दे रही है वीकली बाय थर्सडे बाय फ्राइडे दिस स्टॉक विल बी क्लोजिंग अबव टू फोर्टी फाइव टू टू फिफ्टी द क्लोजिंग टू फोर्टी फाइव टू टू फिफ्टी के ऊपर आराम से क्लोज हो सकता है तो अभी आपको पंद्रह से बीस पॉइंट आराम से मिल सकते हैं इसके अंदर और आप ट्रेड कर सकते हैं सो so, मेरा पहला स्टॉक जो है वीकली ट्रेडिंग के लिए अगर ऑप्शन में बाय कर सकते हैं फ्यूचर में बाय करना चाहते हैं तो आप अपोला टायर्स को ले सकते हैं दूसरा मेरा जो स्टॉक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वीकली ट्रेडिंग के लिए और ये मेरे दोनों स्टॉक बहुत ही श्योरिटी के साथ मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है डेफ़िनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं पहला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और दूसरा स्टॉक जो है हेवेल्स इंडिया ठीक है इसकी दे देखिए एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है अवर्डली चार्ट के ऊपर इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा ठीक है इसका करंट प्राइस है वन वन टू फाइव जी हाँ इसका करंट प्राइस है वन वन टू फाइव और मुझे लगता है ये नेक्स्ट वीक तक बारह सौ आराम से क्रॉस कर लेगा जो हेवल्स है वो 1200 के आसपास जा सकता है इतना पोटेंशियल है इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पोटेंशियल है सो so मेरा जो फ़र्स्ट टारगेट इसके लिए रहेगा वो रहेगा 1170 और सेकंड टारगेट जो रहेगा वन 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 टू डबल ज़ीरो दो टारगेट मैं हेवल्स के लिए लेके चल रहा हूँ ठीक है ये रहा मेरा स्टॉक नंबर टू हेवल्स स्टॉक नंबर थ्री जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है काफ़ी अच्छा जाना पहचाना स्टॉक जिसको हम बोलते हैं बजाज फाइनेंस सॉरी बजाज बजाज फिनसर्व फिनसर्व लिमिटेड नॉट फाइनेंस बट बजाज फिनसर्व फिनसर्व लिमिटेड बजाज फिनसर्व लिमिटेड ये वीकली हमारा वीकली का सॉरी हमारा जो है वो स्टॉक है इसका जो अगर आप देखेंगे क्लोजिंग हुई है वही है नाइन ज़ीरो सेवन वन पर नाइन ज़ीरो सेवन वन पर इसकी क्लोजिंग हुई है और ये स्टॉक का जो टारगेट होगा सर पहला टारगेट होगा नाइन वन फाइव ज़ीरो नाइन वन फाइव ज़ीरो मेरा पहला टारगेट है दूसरा टारगेट है नाइन टू फोर ज़ीरो नाइन टू फोर ज़ीरो और मेरा तीसरा टारगेट भी मैं दूँगा बजाज सर के नेक्स्ट वीक के लिए ये जा सकता है सर नौ हज़ार तीन सौ चालीस जी 9340 तक के टारगेट तीन टारगेट दे रहा हूँ मतलब मैं ऑलमोस्ट आपको 250-300 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए आराम से आपको 250 से 300 पॉइंट ये दे सकता है इस पर वॉच रखिएगा बजाज फिनसर्व और आपको 250 से 300 पॉइंट का गेन आराम से बजाज फाइनेंस बजाज फिन, फिन आपको दे सकता है तीसरा मेरा जो स्टॉक है आपके लिए सर वो है बहुत ही अच्छा स्टॉक जिसका नाम है जी हाँ रिलायंस ओके और रिलायंस के लिए आ जाते हैं हम पाँच मिनट के चार्ट रिलायंस मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है इसकी जो क्लोजिंग हुई है गाइस इसकी क्लोजिंग हुई है टू जीरो फ़ोर सेवन पर टू जीरो फोर सेवन पर इसकी क्लोजिंग हुई है मेरा जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टू वन जीरो जीरो पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है टू वन सेवन ज़ीरो मतलब एक ऑलमोस्ट हंड्रेड हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्सटी को पॉइंट्स का कॉल पूरे वीक के अंदर आपको दे रहा है रिलायंस uh, जो है नेक्स्ट वीक तक इक्कीस सौ सत्तर का टारगेट आराम से अचीव कर सकता है सो so, ये रहा रिलायंस uh, मेरा अगला शेयर नेक्स्ट शेयर इन द लिस्ट फॉर वीकली ट्रेडिंग आई रिपीट फॉर वीकली नॉट फॉर इंटरडे वीकली ट्रेडिंग इज़ दिस कॉल्ड कमिंग्स कमिंग्स इंडिया ठीक है इसकी क्लोजिंग हुई है सिक्स वन फाइव पॉइंट फाइव जीरो पर नेक्स्ट लास्ट वीक लेकिन अब मुझे लग रहा है क्योंकि एक एक तरीके से अगर देखेंगे तो पाँच मिनट में भी ये फ्लैग बना रहा है और एक और पैटर्न बना रहा है छः सौ पंद्रह पचास पर इसकी क्लोजिंग हुई है जो मेरे को लेवल्स इसके निकल के आ रहे हैं सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी इसका पहला टारगेट है और सात सौ तक के टारगेट मैं कमिंग्स इंडिया के अंदर देख रहा हूँ ठीक है तो आप आराम से निकाल सकते हैं सेवन हंड्रेड ऑलमोस्ट ये हो गया एट्टी फाइव पॉइंट्स की ग्रोथ uh, आपको नेक्स्ट वीक के अंदर बिल्कुल देखने को मिल जाएगी यहाँ से इसने सपोर्ट भी ले लिया 200 हंड्रेड ई के पर और ये डेफिनेटली आपको एक वीक के अंदर 75 तक के दिखा सकता है लेवल्स फॉर श्योर सेकेंड लास्ट जो स्टॉक है जो वीकली ट्रेडिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर गाइस हिंदुस्तान यूनिलीवर्स 2402 ऑलमोस्ट 2400 पर इसकी जो है वो क्लोजिंग हुई है हिंदुस्तान यूनिलीवर की इसका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टू फाइव ज़ीरो जीरो और दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है टू सिक्स जीरो जीरो सो दो सौ पॉइंट की ग्रोथ इसके नेक्स्ट वीक के अंदर मैं देखने को देखने को मिल सकती है और ये छब्बीस सौ के लेवल नेक्स्ट वीक तक अचीव कर लेगा सो so, हिंदुस्तान यूनियन लेवल मेरी नेक्स्ट पिक है जो आपको चौबीस सौ चौबीस सौ से बढ़कर छब्बीस सौ तक के लेवल्स दिखा सकता है और लास्ट लिस्ट में जो है हमारा जो आप वीकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है वरुण बेवरेजेस वरुण बेवरेजेस जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को चार्ट के ऊपर नौ सौ पे इसकी क्लोजिंग हुई है पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है नौ सौ चालीस और जो दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 970 तो ऑलमोस्ट 40 तीस चालीस पॉइंट की ग्रोथ इसके अंदर नेक्स्ट वीक को आपको देखने को मिल सकती है सो नाइन हंड्रेड इज़ माय फाइनल टारगेट फॉर वरुण बेवरेज फॉर वीकली टिल फ्राइडे नेक्स्ट वीक और uh, आप इन सबको अपने चेक uh, लिस्ट में रख सकते हैं और अपना प्रॉफिट जो है वो इंजॉय कर सकते हैं सो so, थैंक यू वेरी मच फॉर यू नो चेकिंग आउट द वीडियो गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ और लेवल्स स्टॉक्स के साथ साथ में नए स्टॉक जो आप, आपके लिए पैसा बना सकते हैं वो ले कर आता रहूँ और uh, जुड़े रहिए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर लाइव तो सो दैट मैं वहाँ पर आपको नए नए अपडेट्स देता रहूँ ट्रेडिंग विथ तरुण आप टाइप कर सकते हैं विदाउट एनी स्पेट ट्रेडिंग विथ तरुण और आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में ही आप यूट्यूब चैनल भी मेरा सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं यहाँ पर नई नई वीडियो डालता रहता हूँ और आपके लाइक और सब्सक्राइब और आपके कमेंट्स ही मोटिवेशन फैक्टर हैं जो ये वीडियो बनाने पर हमें मजबूर करते हैं सो स्टे ट्यून गाइस स्टे कनेक्टेड हैव अ ब्लेस डे एंड अ प्रोडक्टिव वीक वी बाय बाय